और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जांच एजेंसियों ने पीएफआई कैंप पर शिकंजा कसा है। निजामाबाद के पीएफआई कैंप की जांच होगी। गृह मंत्रालय ने एनआईए जांच के आदेश दे दिए हैं। कराटे के नाम पर चलाया जा रहा है कैंप। कराटे टीचर और 20 से ज्यादा लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पीएफआई कैंप में आतंकी ट्रेनिंग देने की भी खबर है। बहुत बड़ी यह जानकारी। निजामाबाद की पीएफआई की अब जांच होगी, क्योंकि यहां पर कराटा सिखाने जाने के नाम पर आतंकी गतिविधि हो रही थी। अब देखिए इससे जुड़ी क्या है पूरी जानकारी, आपको विस्तार से हम बताते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर गौर करिएगा। पीएफआई का दंगा कैंप, चौंकाने वाली जानकारी इसके हवाले से। पीएफआई का दंगा कैंप में क्या बातें सामने आई है, देखिए। कैंप में पीएफआई के लीडर चला रहे थे ये कैंप, ये क्लियर हुआ है। और जगह क्या थी, तेलंगाना का निजामाबाद, यहां पर ये पीएफआई का कैंप चल रहा था। उसके बाद क्या जानकारी है, जांच अब करने के लिए कह दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एनआईए अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। निजामाबाद पहुँचे, जाँच करे। एजेंडा क्या है, एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का मकसद। पीएफआई का कैंप जो निजामाबाद में चल रहा था वो इसी मकसद के साथ काम कर रहा था। ट्रेनिंग सांप्रदायिक दंगे भड़काने की। लगातार देश के कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई कि पीएफआई सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहता है। और शिक्षा क्या, शरिया कानून पढ़ाया जाता है। कैंप में कहा जा रहा था कि शरिया कानून हम पढ़ाते हैं, कराटा सिखाते हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा था ये अपने आप में चौंकाने वाला है। देखिए टारगेट क्या था, टारगेट बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करने का टारगेट था इस कैंप में, यही सीख दी जा रही थी। मकसद था कट्टरवाद की जड़ें और मजबूत करना, नफरत धर्म के नाम पर फैलाना, सांप्रदायिक दंगे करना। और इसलिए कई मुस्लिम युवाओं को पकड़ा गया था, इस कैंप को ज्वाइन करवाया गया था और यहां पर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि सीधे गृह मंत्रालय का आदेश है तेलंगाना के निजामाबाद में पहुंचने का और वहां इन्वेस्टिगेशन करने का। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, और क्या चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं? निजामाबाद में ये जो पीएफआई कैंप चल रहा था, यहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, किन लोगों को पकड़ा गया जिसके हवाले से ये चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए पीएफआई लगातार सरकार के निशाने पर रहा है, पीएफआई लगातार जो एजेंसियां हैं उनके टारगेट पर रहा है। और अब एक नई खबर आई कि निजामाबाद का जो तेलंगाना के अंदर कैंप चल रहा था पीएफआई का, उसके अंदर बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी, आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी कराटों के, एक तरीके से कहें तो कराटे सिखाने के बहाने वहाँ पर जो युवा हैं उनको ना सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा था बल्कि उन्हें आतंकी गतिविधियों से जुड़ी कई ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस बारे में जैसे ही जाँच एजेंसियों को पता चला, तुरंत गृह मंत्रालय को सूचित किया गया और अब गृह मंत्रालय ने इस मामले की पूरी तफ्तीश करने के आदेश दिए हैं एनआईए को। जल्द एनआईए की एक टीम निजामाबाद जाएगी, उस कैंप के अंदर जाएगी, वहाँ जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है, जो कराटे टीचर हैं, जो यानी कि जो कराटे सिखाते हैं वहां पर उस कैंप के अंदर, उनसे और इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग हैं जो कि इस कैंप में रहते हैं, इस कैंप को चलाते हैं, पीएफआई से जुड़े हुए हैं, उन सभी से इस बारे में पूछताछ भी की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि ये जो निजामाबाद का कैंप है अब ये सीधे तौर पर जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुका है, खुद गृह मंत्रालय इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।